जो बच्चा बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है या जो सालिम बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है? तो बच्चा बुद्धि उल्टा करेगा या सुल्टा करेगा? बच्चा बुद्धि बच्चा बुद्धि है वो उल्टा करेगा और जो बाप है वो सुल्टा करेगा। जो काम करेगी शिवो वाहन समझ करके वो उल्टा करेगी या सुल्टा करेगी? वो भी तो साकार तन द्वारा करता है ना। करने वाली आत्मा कौन है? तो जब कोई व्यक्ति में कोई सोल प्रवेश करती है तो देखा जाता है ना ये कौन सी आत्मा काम कर रही है, बुद्धि को पता लगता। तो ऐसे ही यहाँ भी है, तीन आत्माएं हैं, शिव की सोल भी है, राम की सोल भी है, ब्रह्मा की सोल भी है, लेकिन जो कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करने वाली आत्माएं अलग अलग हैं या एक ही है या सब सम्मिलित हैं? अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन जो उसके उसके पास आने वाला ये समझना है कि शिव बाबा का काम है, शिव बाबा के गोद में है। जो उसके 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 पास जो आती है, जो साकार में प्रवेश कर जो कर्म कर रहा है ब्रह्मा है, और उसमें सुप्रीम सोल शिव भी है, तीन मूर्तियां है, जिसके पास जो आती है वो समझना है तो शिव बाबा का है स्पष्ट कहा है। माया इंटरफियर करती है तो बुद्धि को घुमाती है, तो तुमको माया इंटरफियर कर रही है इसलिए तुम पूछ रहे हो बार बार। तो खेले ना बाबा क्या? कभी राम क्या कहते हैं, कभी माया खींच ले जाती है। Marriages are made in heaven. अंग्रेजी में एक saying है, marriages are made in heaven. माना तो शादियाँ तो स्वर्ग में क्या माना स्वर्ग में जोड़ी बनती है, उसका अर्थ यही है स्वर्ग में ही जोड़े बनते हैं, मैरिजेस माना शादियाँ। एक कहा होते हैं वो उसका कोई कनेक्शन है ज्ञान में जोड़ियां यहाँ ज्ञान के आधार पर बनती है, हद की बात नहीं है। हाँ जी, बाबा जो है सबका पूर्वज है, सब धर्मों की पूर्वज है, ऐसी मतलब नौ धर्मों में तो सूर्य वंशी चंद्रवंशी इसका ऐसा ऐसा क्रम में आता है ना बाबा। सूर्यवंशी का पूर्वज हो गया साकार बाप, और चंद्रवंशी का दूसरी नंबर पूर्वज की बात आ रही है। सबकी पूर्वज अष्टदेव, सभी धर्मों की पूर्वज अष्टदेव, पूर्व पहले जन्म लेने वाले पूर्वज,
ऐसा सूर्यवंशी का पूर्वज बाप और और चंद्रवंशी के दूसरे नंबर माना योगिनी माँ चंद्रवंशी का पूर्वज हो गया। इसलिए तीसरी जो इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की पूर्वज तीसरा नंबर होना चाहिए, यमराज की पाठ बन जाने। ठीक है, अब तो ये ग्रहों की बात आती है बाबा। शुक्र ग्रह को इस्लाम धर्म की बीज उसको शुक्र ग्रह कहा गया। शुक्र ग्रह ग्रह माने ग्रहग्रस्त है ना बाबा, वो एक नहीं है। हाँ बाबा जी बाबा, उसमें बाल बच्चे भी है और उसका पूर्वज पत्नी भी है, पूर्वज भी होता है। हाँ उसमें पूर्वज भी है। तब नवग्रहों जब नवग्रहों दिखाती है, नवग्रहों की पूजा होती है बाबा, नवग्रहों में एक को दिखाई दे भले उसमें सारी परिवार समाई हुई लेकिन एक को दिखाती है, तब शुक्राचार्य जिसको इस्लाम धर्म की बीज कहा उसका भी पूर्वज जो तीसरा नंबर है यमराज वो जरूर शुक्राचार्य शुक्र ग्रह होना चाहिए ना। नहीं, उसकी आत्मा है शुक्राचार्य, शरीर भी है और आत्मा भी है। तो आत्मा तीसरे नंबर हो सकता है। आत्मा जो है वो यश देव में है। माना जब वो अंतिम जन्म में उसका प्रभाव में आती है ना बाबा, इस्लाम इस्लाम में इस्लाम के प्रभाव में जरूर आती है क्योंकि माया किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तब वो लक्षण तो वो पूर्वज में भी रहता है ना, जो काम इस्लामी बताते हैं बाबा, वो लक्षण तीसरे नंबर की में जरूर होना है ना। है, अगर नहीं है तो नंबर कैसे बनता है तीसरा नंबर, दुनिया तो पूछेगी ना इसको अव्वल नंबर क्यों दे दिया, इसको दूसरा नंबर क्यों दे दिया, इसको तीसरा नंबर क्यों दे दिया, हमारा नाम होना चाहिए। तो टूटेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो काम की अंश जब पूरा टूटा होते हैं तब नंबर मिलते हैं। पूरा टूटा हुआ अधूरा टूटा हुआ नहीं, कुछ न कुछ टूटा हुआ टूटेगा, अब थोड़े समय के लिए टूटेगा या लंबे समय के लिए टूटेगा। जो लंबे समय के लिए टूटेगा वो कमजोर आत्मा, और जो थोड़े समय के लिए टूटेगा फिर जुड़ जाएगा वो पावर होगा। दो पर्ची आई, आया छोटा पत्थर किसने दिया, बुलाओ पर्चा क्यों ले रहे। बाबा एक मंदिर में बाबा ने नारायण से उठने शंकर रब्बा माता उसमें शिव का नेत्र है। तब लक्ष्य ये कहना चाहेगा जब नारायण से ऊंचे शंकर तब लक्ष्य क्या क्या लक्ष्य देना है शंकर बनना नारायण। बाबा ने कई बार तीन लोग का चित्र दिखाया मुरली में, उस तीन लोग के चित्र में बताया सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके नीचे लक्ष्मी नारायण। तो शंकर ऊंचा हुआ या नीचा हुआ, ऊंचा हुआ बस, ऊंचा जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया, विष्णु का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया गया, तो ऊंचे से ऊंचे कौन हुआ। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ सबसे ऊंची प्राप्ति सबसे ऊंचा लक्ष्य तो वही है, उस पे शिव नहीं है। आपका लक्ष्य शंकर बनना है क्या? नहीं बाबा क्या है तुम बता, पूछ रहे हम उसका जवाब दो। आपको शंकर बनना अच्छा लगता है, शंकर में शिव प्रवेश है।
है प्रवेश नहीं। लेकिन बाबा ने क्या बोला, शंकर बनने का पोशाक नहीं करना है, इसको फॉलो करना है, इससे तो अच्छा ब्रह्मा को फॉलो करो। हाँ जी, कर्मों में शंकर को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्शन को मानना है। रावण की सिर होगी, माना एक वृक्ष वृक्ष पांच वृक्ष सिर और पांच स्थाई से मिला है, रावण की दस सिर होगी, पांच पुरुष पुरुष और पांच स्त्री का सिर दिखाए, माना तो ये पांच है मंडोदरी का, मंडोदरी में माना तो पांच तत्व है, भूमि वायु अग्नि जल ये सब कुछ, लेकिन इसमें बाबा तो धरणी को माता के रूप में दिखा दिए, तो जो अन्य है जो अन्य तत्व है उनको पुरुष वर्ण देव कहते हैं और अग्नि देव कहते हैं और वायु देव कहती है, उसको पुरुष रूप में कौन दिखाया और धरणी को माँ के रूप में दिखाई, तो पंच तत्व उसको धरणी को माँ माँ कहते हैं ना, माँ के रूप में दिखाते हैं, लेकिन बाकी जो बचा हुआ तत्व है उसको वायु देव कहते हैं, वायु देव नहीं कहते हैं, वरुण देव कहते हैं, अग्नि देव कहते हैं, तो पुरुष के नाम पर क्यों रखा, क्यों पृथ्वी देव्याय नमः कहते हैं क्या, पृथ्वी देवताय नमः यही तो कहते हैं, पुत्र वाला का बड़का है या नहीं है, बाबा जो आप भक्ति मार्ग की बात कह रहे हैं तो भक्ति मार्ग का ही जवाब, भक्ति मार्ग में जगदम्बा को भी पुरुष रूप में उठाया हुआ है, क्योंकि वो दुष्टों का दलन करने वाली है, स्त्री चोले में इतनी पावर नहीं होती है कि दुष्टों का मुकाबला करे, वो रुद्रमाला का मंत्र है इसलिए। और बाबा बता रहे हैं कि सरेंडर करके पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है बच्चों को, हॉस्टल में रखो, हॉस्टल में ही पढ़ाई पढ़े, उस संघ का रंग जास्ती लगेगा, बाहरी वायुमंडल का असर नहीं लगेगा, वो पढ़ाई पढ़ना अच्छा है, घर में रह करके फिर स्कूल में जाना फिर बाहरी दुनिया का संग का रंग लेना, इससे घाटा आ सकता है। तो बाप का घर हो गया हॉस्टल। हाँ जी, घर का घर भी है, स्कूल का स्कूल भी है। कोई कोई बच्चों में अपने इच्छा से अनिच्छा पत्र लिखकर चली जाती है। मातपित नहीं ले जाते हैं, मातपित नहीं ले जाते हैं, तो क्यों कैसे चली जाती बिना माता पिता की सहयोग, अपने इच्छा से कैसे अकेली चली जाती है क्या, अकेले तो यहाँ जाने भी नहीं दिया जाता, उन माँ बाप को जब मालूम पड़ गया कि कन्या त्याग पत्र लिख करके जा रही है तो मना कर देना चाहिए, मैं नहीं ले जाता तुमको, जैसे राजू भाई ने चालाकी की, बंगलौर में उनकी कन्या थी, राजू भाई गए बुलाने पर, पता चला तो छोड़ के जाना चाहती है त्याग पत्र लिख करके, तो चले आए हम नहीं ले जाते, फिर भाई पहुंच गया तो पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अरे मैंने कहा ये सब करने की क्या दरकार है, त्याग पत्र लिख करके जाओ, लिख करके आए हो और लिख करके चले जाओ, क्यों मना करेंगे, तुम्हारी इच्छा है अच्छा लगता है तो रखो, नहीं अच्छा लगता है तो न रखो,
कन्या की इच्छा है तो रहे, नहीं इच्छा है तो न रहे। तो माँ बाप की इच्छा नहीं है तो कैसे चलेगी घर में है? कन्या से अपनी इच्छा से है, कन्या अपनी इच्छा से कहाँ चली गई? अरे कन्या आश्रम को छोड़ के चली गई तो कहाँ चली गई? घर गई बाबा, लौकिक माँ बाप के पास चली गई ना। लौकिक माँ बाप ने क्यों रखा अगर उनकी इच्छा नहीं है तो? इच्छा है तभी तो रखा। इच्छा नहीं होती, मोह नहीं होता, लगाव नहीं होता तो क्यों रखते? नष्ट मोह नहीं लगते, नहीं होता नष्ट मोह, अभी तक नहीं होता। आदि सनातना देवी देवता की पक्के है, इसमें लक्ष्मी आता है बाबा, क्योंकि लक्ष्मी को जब पुरुष शरीर देती है द्वापर युग से, जब पुरुष शरीर लेती है तब तो वो सन्यासी रहती है, तब वो आदि सनातना देवी देवता कहना सही। ठीक बात है, बाबा क्योंकि पक्के हैं वो सूर्य के साथ ही रहेंगे या चंद्रमा के साथ रहेंगे? तो कन्वर्ट वाले, कन्वर्ट होने वाला को ये बात नहीं लागू होता। सावित्री माता जी शाम शिवराव भाई के तीन बच्चों से बाहर से आने वाले ज्ञान के भाई लोग पूछ रहे हैं, अपने ज्ञान में चलने वाले भाई लोग पूछ रहे हैं किससे? सावित्री माता शाम शिवराव के बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि आप लोग पूरा खेती बेच दिया, आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? अब ये पूछने वाले ज्ञान के विरोधी होंगे या ज्ञान में चलने वाले होंगे? बताओ कौन है वो है? भले यहाँ क्लास में भी आकर के बैठ जाते हैं लेकिन इससे क्या साबित होता है? शाम शिवराव के बच्चों को उखाड़ना चाहते हैं, शाम शिवराव के विरोध में भड़काना चाहते हैं या नहीं भड़काना चाहते हैं? पंपिंग कर रहे हैं, तुम अपने माँ बाप से लड़ाई लड़ जाओ। वो ज्ञान में चल रहे हैं क्या वो लोग जो भड़काते हैं? आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? नीचे सुबह से शाम तक जो सर्विसिंग चल रही है मोटर सफाई की, उसमें कितना कमाई आती है? तीन बेटे ये बातें सुनकर चिंता कर रहे हैं। उन बच्चों से ऐसे नहीं बोलना है, वो बच्चे सामने आए तब तो हम उन्हें समझे, उनका नाम तो इसमें लिखा ही नहीं कि कौन बच्चे ऐसा समझाते हैं ज्ञान में चलने वाले। क्या मुखौटा चढ़ाया हुआ है हम ज्ञान में चलने वाले हैं, अब कर्म ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे बच्चों को उठाना चाहिए या और उनको विरोधी बनाना चाहिए? अभी बाप गुप्त है तो तुम डिसर्विस कर रहे हो, दो चार साल के बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वो बच्चे तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे या तुम्हारी सराहना करेंगे तुमने हमको उखाड़ा माँ बाप के विरुद्ध? क्या करेंगे? नीचे नीचे काम करते हैं ज्ञान में चलने वाले। अनिश्चय चक्र 36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है ऐसा बोला, ऐसा बोला है। 76 से नहीं है, 76 से नहीं, 76 से नहीं, 36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है। अनिश्चय का चक्र है 36 से चल रहा है ऐसा बोला है। मुरली में बोला है, कौन सी मुरली में?
ऑडियो कैसेट 71 में बोल रही है। पहले बाप अनिश्चय में आता है या पहले बच्चे अनिश्चय में आ गए? पहले बाप अनिश्चय में आ गए। और बाप सन 42 में अनिश्चय में आया या सन 36 से ही अनिश्चय में आया? सन 36 से ही। 36 में अनिश्चय की बात ही नहीं है। 36 से लेकर 42 तक 42 तब बाप अनिश्चय में आया और छोड़कर चला गया। उससे पहले ब्रह्मा बाबा भी चले गए। सूर्यवंशियों के लिए कहेंगे तो पहले बाप अनिश्चय में आता है कि पहले बच्चे अनिश्चय में आते? पहले बाप अनिश्चय में आता है। 36 में बोल दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिश्चय चक्र 36 से चल रहा है ऐसा बोल दिया। दूसरी आत्माओं के लिए 36 में प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय था ही नहीं, पहले भी निश्चय नहीं था। ब्रह्मा बाबा क्या इस बात का निश्चय हुआ कि प्रजापिता में दादा लेकर में भागीदार में शिव बाप आता था? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तब अनिश्चय तो अनिश्चय हुआ ना। अनिश्चय क्यों, कैसे कैसे क्यों नहीं अनिश्चय? निश्चय कहाँ? निश्चय में पहली बात तो बाप के ऊपर निश्चय। निश्चय में पहली बात क्या है? बाप के ऊपर निश्चय है, अपने आप के ऊपर निश्चय है, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय है, ज्ञान के ऊपर निश्चय है। तो बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं तो अनिश्चय ही नहीं। कौन सा